मजा आएगा ना भिड़ो। तो हे गाइस, मैं हूँ आरसी और आप देख रहे हैं आरसी गेमर। दोस्तों अजी जो गेम है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लीक से रिमर्स आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। और बेसिकली दोस्तों ये रिलीज डेट से रिगार्डिंग है और गेम कैसा होने वाला है, गेम के मैकेनिज्म, गेम के इस तरीके से पबजी कम्पीट कर पाया कि नहीं, तो ये सारी बातें हमें लीक में पता चली है। तो इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप सभी के लिए। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं जो गेम होने वाला किस तरीके से होने वाला है, एक्चुअल में गेम होने वाला किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से गेम वर्क करेगा, तो सारी बातें आपको लीक्स एंड रूमर्स इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको जानना है तो ये वीडियो दोस्तों स्टार्टिंग टू एंड तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे फौजी गेम किस टाइप का होने वाला है। बेसिकली दोस्तों जो गेम होने वाला है एक्शन एडवेंचर शूटर टाइप गेम होने वाला है, जिसके अंदर आप एक स्टोरी मोड गेम देखने मिलने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चैप्टर वाइज मतलब स्टोरी देखने मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो पहला चैप्टर बेस्ड होगा गलवान वैली पे, जहाँ पर इंडिया और चाइना का फाइट हुआ था, उस लोकेशन पर पहला जो चैप्टर बेस्ड होने वाला है। तो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा और आपको फाइट करना होगा चाइना से और आपको मिशन कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से गेम हो सकता है और जितना भी न्यूज़ आया है दोस्तों उससे कंफर्म होता है कि ये गेम स्टोरी मोड होने वाला है। और ऑफिशियल तरीके से खुद डेवलपर ने ही कह दिया था गेम के कि जो गेम है पबजी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पबजी से पूरा अलग गेम है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आपको देखने मिलता है, यहाँ पर स्टोर और करेंसी भी देखने मिलता है और यहाँ पर आपका प्लेयर का करेक्टर सेटिंग का बटन भी देखने मिलता है। तो इससे जो स्टोर और करेंसी देखने मिलता है आपको दोस्तों, इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको गेम के अंदर कॉस्मेटिक भी परचेस करना होगा, गेम के अंदर स्टोरी होगा जो कि इस चैप्टर होगा उसको भी आपको परचेस करना होगा, तब जाके आप गेम के अंदर प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से गेम होने वाला है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है अगर ऐसा होता है। तो शायद से स्टोरी मोड खेलें लेकिन परचेस करने की बात जब आती है तो बहुत लोग नहीं परचेस करना पसंद करते, तो ये भी थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है गेम का। तो वो तो आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों गेम किस टाइप का होने वाला है। तो जहाँ तक मुझे न्यूज़ पता चला है गेम के बारे में कि गेम इस टाइप का होने वाला, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब दोस्तों बात करते हैं जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिलीज डेट था कि दिसंबर के एंड तक आने वाला है, लेकिन दोस्तों आज 29 है और अब तक कुछ भी रिलीज डेट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है और रिलीज डेट भी नहीं आया है और रिलीज भी नहीं हुआ है। आपको प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन आपको खाली बात करते हैं उससे क्या होने वाला डेट। तो दोस्तों सुनने में जो आ रहा है न्यूज़ आ रहा है कि गेम जो होने वाला 2021 के अंदर रिलीज हो, तो दोस्तों अब 2020 में तो गेम रिलीज नहीं होने लगा क्योंकि दोस्तों एंड हो गया है दिसंबर का। अब रिलीज होने के चांसेस 2021 में ही है और यहाँ तक न्यू जहाँ तक रूमर्स आ रहे 2021 के अंदर रिलीज होगा। और जो मंथ होने वाला दोस्तों वो होने वाला जनवरी के अंदर, जनवरी के स्टार्टिंग या फिर मिड के अंदर गेम आ सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है और मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जनवरी के अंदर आपको देखने मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही या फिर देखने मिल सकता है या फिर आपको मिड या फिर एंड तक देखने मिल जाएगा गेम। तो यहाँ तक ये कंफर्म हुआ है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये जो लीक और रूमर्स आ रहे हैं वो कंफर्म करता है कि जनवरी के अंदर ही आने वाला है। अगर जनवरी में दोस्तों नहीं आया तो ज़्यादा से ज़्यादा फेब में जाएगा, उससे आगे जाता तो गेम का जो हाइप होने वाला है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इससे दोस्तों कंपनी का जो बहुत लॉस होने वाला है और क्या पता दोस्तों जनवरी में पबजी मोबाइल भी आ जाए इंडिया के अंदर वापस से, तो इससे जो अट्रैक्शन था पबजी की तरफ वो चला जाएगा, वो वापस से पबजी मोबाइल पर चले जाएंगे। तो इससे दोस्तों बहुत ही नुकसान हो सकता है। उनको जो जल्दी से जल्दी गेम को लॉन्च करना चाहिए ताकि जो ऑडियंस वेट कर रहे हैं वो जल्दी से खेल पाए और उनको फीडबैक दे पाए और गेम को इम्प्रूव किया जा सके वक्त के साथ। डेवलपर उस पर गेम पर काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पॉलिश कर रहे हैं और गेम मोबाइल डिवाइस में कंपेटेबल अच्छे से हो, इसके लिए दोस्तों काम किया जा रहा है। शायद आई थिंक अभी गेम कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो कंप्लीट होने के बाद ही गेम को रिलीज़ किया जा सकता है। तो शायद इसलिए दोस्तों वेट कर रहे हैं, गेम को अच्छी तरीके से बना लें फिर उसके बाद दोस्तों गेम को रिलीज़ किए कर देंगे प्ले स्टोर पर, क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है और दोस्तों कई मिलियंस जो कि उसके प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं काफ़ी, मतलब इससे दोस्तों पता चलता है कितना हाइप है फौजी गेम से रिलेटेड इंडिया के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यही दोस्तों जो कि न्यूज़ आपको देना था, आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस आपको क्या लगता है गेम के बारे में, आपको क्या लगता है रिलीज डेट क्या है, सच क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर मैं कहीं गलत हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ कि उन्हें पता चले गेम के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूल, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।